कुंद्रू कला पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी उमेश महतो ने चलाया जनसंपर्क अभियान और किया विकास के वादे। मौके पर हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी ने की उनसे खास बातचीत। आइए दिखाते इस खास रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा विकास पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, गांव की सरकार कैसी हो अब की बार। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर के मतदाताओं और प्रत्याशियों के बीच गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। पूरे रामगढ़ का जो क्षेत्र है, प्रत्याशियों के चहल पहल से और मतदाताओं के रुझान से जो है ये देखने में आ रहा है कि इस बार की पंचायत चुनाव में जनता बेहतर मूड में दिखाई दे रही है और एक बेहतर गांव की सरकार बना करके अपने पंचायत का समुचित विकास करने के ऊपर उतारू है। कुंद्रू कला पंचायत से आज हम देखेंगे जनसंपर्क अभियान में मुखिया पद के युवा समाज सेवी जुझारू और मृदुभाषी स्वभाव के श्री उमेश महतो, जिनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जानना चाहेंगे कि पूरे पंचायत में जनता का क्या समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, क्या लग रहा है आपको। मेरा नाम उमेश कुमार महतो हुआ, मैं कुंद्रू कला पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हूं और मुझे पूरा भरपूर जनता का सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस कड़ी धूप में मेरे साथ जो जन सलाह उमड़ा हुआ है उमेश महतो के साथ है और मैं 2010 में चुनाव जीत चुके थे। 2015 में मैंने लेडीज सीट होने के कारण सीट को छोड़ चुका था, फिर जनता मुझे दोबारा रिक्वेस्ट करके मुझे इस मैदान में उतारा है। तो मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को कि मैं तहे दिल से इस पंचायत को नया रूल नया रेगुलेशन के हिसाब से चलाने का काम करूंगा, चौमुखी विकास करूंगा। जैसा कि आपने देखा अभी इन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में पूरे पंचायत में जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इनका कहना है कि निश्चित रूप से ये आशीर्वाद वोटों में तब्दील होगा और ये भारी मतों से विजय होंगे और अपने क्षेत्र को अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करने का इनका सपना है। खबर 365 न्यूज़ के लिए रामगढ़ से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।